वेलकम बैक टू माई ट्यूब पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उसके लिए हम हिस्ट्री का पेपर लेके आए, जो हम 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो उसमें ये देखेंगे हम लोग तो इसमें हम देखने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो भी एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे की बात करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि 2022 में जो आने वाले क्वेश्चन है एमजेपी आरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि 85% यदि आपको लाना है, आप टॉप करने वाले ना बीएससी में, याद रखना बीए बीएससी बीकॉम में आपको भाई बहन कोई भी है तो उन्हें बताओ, आपका दोस्त भी है ना बीए बीएससी बीकॉम में तो उन्हें बताओ कि पेपर हैकर से स्टडी करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं देखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए, और जो आपका पेपर हाल ही में होने वाला है उन क्वेश्चनों को सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा रहा हूं। जैसे कि बात की जाए आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा बेटा, वो ये जो है 28 अप्रैल को होने वाला है, ये पेपर 28 अप्रैल को होगा एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वालों, ध्यान रखना, और मैं आप इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से बताने वाला हूं क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, अभी से आप क्या पढ़ना है बस वही पढ़ना, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री मतलब कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, मतलब इतिहास की परिभाषा क्या है, उसके महत्व क्या है, कौन कौन से स्रोत होते हैं हिस्ट्री के, मतलब इतिहास के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था होता है उसका उद्भव कैसे हुआ, मतलब कि उसका विकास कैसे हुआ था, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद में है सिंधु घाटी की विशेषता क्या होती है, तो सिंधु घाटी की विशेषताओं के बारे में याद करेंगे, ठीक है। प्राचीन काल में व्यापार, देखो प्राचीन काल में जो व्यापार करते थे लोग वो कैसे करते थे उसके बारे में आपको याद करना है, ठीक है। और ऋण वैदिक काल में आर्यों की समाज एवं धार्मिक स्थिति, जो ऋण वैदिक काल था उसमें जो आर्य थे उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति मतलब पोजिशन कैसी थी, आपको यह देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना। उसके बाद में है उत्तर कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाएं, अब देखो यहां था ऋण वैदिक काल, अब आगे उत्तर वैदिक की सामाजिक और कहती थी जो धार्मिक थी उनके दोनों को अवस्थाएं मतलब पोजीशनों को देख लेना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि मौर्य की मौर्य जो मौर्य काल कह सकते हैं मौर्य काल की मौर्य के जो मौर्य था, ठीक है, मौर्य था तो मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कार क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बारे में आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य के जो पतन का कारण क्या था, पतन होने पतन का मतलब होता है उसका जो पराजय होने का कारण क्या था, यहां बोला गया अशोक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अशोक के धम्म पर टिप्पणी, उनकी सीमाएं, और आप जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार के बारे में आप देख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बारे में गुप्त कौन थे, गुप्त कौन थे और गुप्त वंश का वर्णन कर देना है, गुप्त वंश का वर्णन कर देना है, उनके स्रोतों का वर्णन करना है, उनके पतनों का बारे में देख लेना है। उसके बाद में है चंद्रगुप्त के जीवन एवं सफलताओं का वर्णन करना है, जैसे आप कह सकते हैं जो समुद्रगुप्त था उनके जीवन और सफलताओं का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, और जो विक्रमादित्य थे उनके जीवन व्रत के बारे में आप देख लेंगे, विक्रमादित्य इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2022 के लिए, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और कह सकते हैं हेवन सॉन्ग थे उनके कौन थे, ठीक है, हेवन सॉन्ग कौन थे उनका वर्णन, और हर्षवर्धन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, हर्षवर्धन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रट के जाना है, ठीक है। और हर्ष के प्रारंभिक जीवन का प्रकाश डालना है, तो हर्षवर्धन के वही पूरे प्रकाश डाल देना है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, असफल होने का कारण क्या था, राजपूत जो थे वो हारे कैसे थे, आप ये देखना है, ठीक है। और संपाद कह सकते हैं संपादवाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं, पतन होने के कारण क्या होते हैं, संपादवाद के पतन होने के कारण देख लेना है। अब हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार है उनका वर्णन कर देना है, तो हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं उनके वर्णन के बारे में आपको देख लेना है। यहां बोला गया है महमूद गजनबी का आक्रमण, उनके कार उनके प्रभाव के बारे में देख लेना है, महमूद गजनबी का जो आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर वो कैसे किया था, मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो कैसे किया था, उसकी राजनीतिक दशाएं क्या थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। वही बात की जाए आपको ये देखो कुमार जो गुप्त का पर निबंध आपसे पूछ लेता है, और वही आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार के संबंध में वर्णन करिए, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछता है, ये शॉर्ट में बनेगा। आदर्श व्यवस्था क्या होती है आप ये पढ़ लेना है, और संधि सभ्यता के बारे में जानते होंगे, संधि सभ्यता का विन्यास कैसे हुआ और इसका निर्माण कैसे होगा, विनाश और निर्माण दोनों
दोनों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कलिंग का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि टॉप करने वाले हो। आप इन क्वेश्चनों को रट लेना, बस एक बार आप उनको पढ़ लेना है, उसके बाद बना बना के लिख के आना है, ज्यादा कुछ फोर्स नहीं देना अपने आप को, ठीक है। एक बार ध्यान से शांति दिल से पढ़ना, उसके बाद में आपको बना बना के लिख के आना है। तो कमेंट देखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।